हे गाइस, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर कुछ टॉवल्स वगैरह हैं जो इकट्ठी हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने हर तरीके की टॉवल ली है। सॉफ्ट वाली टॉवल होती है, रूए वाली टॉवल होती है, साफ़ी होती है, अंगोछा होता है एंड हैंकीज वगैरह जो होते हैं। और हर टाइप के हैंकीज का मैं यहाँ पर यूज़ करके बताने वाली हूँ और सबके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ मैं आपको बताऊँगी, वो भी आप बिना सिले काटे और फटाफट से इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो क्या है, किस तरीके से है टिप्स, उसके लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं इस तरीके के यूनिक वीडियोज़ हमेशा अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टॉवल ली है, ठीक है। मैंने इसकी लेंथ वगैरह को बिल्कुल भी नहीं काटा है, ठीक है, पूरी की पूरी लेंथ रखी है। आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरा श्योर दूंगी कि आप इसकी शॉर्ट लेंथ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बायर मतलब डोरी मैंने ले ली है और बस इस तरीके से रख के, और थोड़ी सी बड़ी डोरी ली है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के साइड से, और इस तरीके से इसको नॉट कर दिया, ठीक है, टक कर दिया है। एंड यहाँ पर हम एक और यहाँ पर डोरी लगाएंगे इस तरीके से, एंड इसी सेम अदर साइड भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो बस इस तरीके से देखिए, यहाँ पर बस दो तीन टाँके ही मारने हैं आपको, डबल धागा करके आप दो तीन टाँके इस तरीके से लगा दीजिए और ये बहुत मजबूती से हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पर साइड से लगाए हैं एंड सेम मैंने अदर साइड भी इसी तरीके से किया है। तो ये देखिए हमारा एप्रिन बन के तैयार हो गया है, ठीक है। बस इस तरीके से आप परफेक्ट एप्रिन बना सकते हैं, बिकॉज सर्दी में कपड़े बहुत ज़्यादा गीले वगैरह हो जाते हैं जब भी हम सिंक के पास खड़े होते हैं। तो अब इसको वेयर कैसे करना है, तो देखिए नॉर्मल जैसे आपको नेक में डालना है और पीछे एडजस्ट करके आप बांध लीजिए, और क्या है इस तरीके से बांध दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एकदम से ये पॉकेट फ्रेंडली बनके तैयार होगा। अब ये देखिए इतना लॉन्ग है ना, तो इसको इस तरीके से पकड़ के ऊपर उठाना है, फिर इसको इस तरीके से पीछे की तरफ आपको यहाँ पर बांध लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके ये पॉकेट बनके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप कर्ची वगैरह चलाते हैं, फिर कुछ नाइफ वगैरह, तो कोई भी ज़रूरी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टॉवल से एप्रन बना सकते हैं। एंड परफेक्ट एप्रन की अगर आपको स्टिचिंग और पैटर्न चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी परफेक्ट स्टिचिंग एंड कटिंग दोनों आपके साथ शेयर करूंगी। एंड नेक्स्ट आइडिया है गाइस, ये वाला जो आइडिया, ये भी आप कटिंग एंड स्टिचिंग करके भी बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर विदाउट कटिंग एंड स्टिचिंग के बता रही हूँ। तो आप टॉवल ले लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से, और मतलब एक बटन को इस तरीके से यहाँ पर टक कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने बटन को यहाँ पर टक कर दिया है एंड अदर साइड दोनों कॉर्नर्स पर हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें हमें खुद नहीं पता होगा कि हम कौन से कॉर्नर्स का यूज़ करेंगे, इसलिए हम दोनों कॉर्नर पे ही कट लगाएंगे। तो जो भी कॉर्नर हमारे हाथ में आएगा उसमें ही हम बटन को टक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जब भी हेयर वॉश वगैरह करते हैं, फिर बालों को इस तरीके से टॉवल में लपेट के रखते हैं जिससे कि वो ड्राई हो जाए, है ना, और अच्छे से फूस जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया था, बिकॉज टॉवल जो थी मैंने दूसरी वाली यूज़ की थी, तो ये छोटी थोड़ी सी पड़ रही थी। तो बस इस तरीके से आपको करना है, और ये देखिए जो हमने होल किया था उसमें आपको बटन को इस तरीके से फंसा देना है, और ये आपका बनके तैयार हो गया है। वैसे तो मैंने इसको विदाउट कटिंग एंड स्टिचिंग के ही बताया है, अगर आप कटिंग एंड स्टिचिंग का भी इसका भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट आइडिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बड़ी वाली टॉवल है ना, तो ये भी थोड़ी सी हमारी रफ सी हो जाती है, तो इसका यूज़ भी आप सर्दियों में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कि आपको क्या करना है कि देखिए इस तरीके से टॉवल ले लीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ हुई थी, ये बड़ी वाली जो टॉवल है, तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर डबल टॉवल का मुझे यूज़ करना था, तो मैंने यहाँ पर डबल टॉवल ली थी, लेकिन क्या हुआ ना कि जो दो टॉवल जब, तो सबसे पहले तो मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह इसके निकल रहे थे, बिकॉज़ ये पुरानी हो चुकी है, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकल रहे थे, तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से कट कर दिया है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप पुरानी से ही बनाएं, आप थोड़ी सी अच्छी खासी हो उससे भी बना सकते, वैसे तो ये ठीक ही है, बस इस तरीके से धागे वगैरह निकल रहे थे, तो मैं और भी यूजेस पर इसको ले ही रही थी, सोचा चलो आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए डबल टॉवल मैंने यूज़ किया, पर ये वाली ऊपर वाली टॉवल ना छोटी थी, तो मैंने इसको रिप्लेस करके बड़ी टॉवल इसके बराबर ही जो मेरे पास दूसरी वाली टॉवल थी उसका मैंने यूज़ किया। यहाँ पर देखिए इस तरीके से दूसरी वाली टॉवल का यूज़ किया है, और ये देखिए इक्वल है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें बराबर इसको रख लेना है, ठीक है। अब इतनी इतनी जगह दोनों साइड छोड़ के हमें मतलब स्टिचिंग करनी है, ठीक है। इतनी इतनी तरह मैंने स्टिचिंग बताई, और यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग करनी है, एंड देन बीच में थोड़ा सा हमें यहाँ पर इतना गैप रखना है इतना, और उसके बाद फिर से हम नीचे से स्टिचिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टोटल स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिचिंग कर दी है, तो यहाँ पर स्टिचिंग की है, यानी यहाँ पर बीच में ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर खुला हुआ रखा है इस तरीके से, ठीक है।
और ऐसे ही सेम फिर मैंने यहाँ पर नीचे भी स्टिचिंग कर दी थोड़ा सा। अब ठंड में हम जब लू नहा के वगैरह आते हैं तो इस तरीके से आप इसको पहन के आ सकते हैं, इससे बॉडी अपने आप पुछ जाएगी एंड ठंड भी नहीं लगेगी। एंड आपको हाथ वगैरह निकालने हो तो आप इस तरीके से हाथ भी निकाल सकते हैं। तो ये एज अ काम चलाओ एक आपका मतलब बाथरूम बन के तैयार हो गया है। और बाथरूम की भी वैसे परफेक्ट स्टिचिंग वगैरह आप टॉवल से कर सकते हैं। देन उसका भी चाहिए तो मैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं स्टिचिंग वाला भी आपके साथ शेयर करूँगी। बिकॉज आज का वीडियो मेरा विदाउट स्टिचिंग एंड कटिंग का था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके के ट्रिक्स डाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर छोटी छोटी टॉवल होती है ना, तो आपको इस तरीके से उसको फोल्ड करना है एंड चारों कॉर्नर्स पे आपको ना डोरी लगा लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए डोरी लगा ली है। अब आपको क्या करना है, अब आप ना कोई भी आपका जो भी वाइपर वगैरह हो वो ले लीजिए। ठीक है, अब आपको इस तरीके से जो हमने पॉकेट्स बनाया ना इनके अंदर आपको डाल देना है इस तरीके से, और ये जो डोरी है इसको आपको इस यहाँ पर बांध देना है। बस इस तरीके से अच्छे से आप नॉट कर दीजिए। तो ये देखिए, अब ये आपका ब्रश टाइप एक क्लीनर बनकर तैयार हो गया। अब आप इससे कोई भी चीज़ को क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब इसको फिलहाल हम सबसे पहले क्लीन करने से पहले, अभी ये छोटा है और इसको हम बड़ा करने के लिए हमें इसमें एक डंडा वगैरह लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये एक बैबुक पड़ा हुआ था तो थोड़ा सा ढीला था, तो ऊपर मैंने इस तरीके से कपड़ा लगाकर इसको टाइट कर लिया था। अब ये फंस के जाता है, तो अब ये हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार है। अब आप इससे अपने हर घर के हर कोने की क्लीनिंग कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए मिरर्स वगैरह को भी आप क्लीन कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से स्ट्रोक में ये क्लीन होता जा रहा है, तो आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। लाइक अपनी अलमीरा वगैरह होती है उसको कर सकते हैं, फर्नीचर को कर सकते हैं, कवर्स वगैरह कर सकते हैं, और लकड़ी पर तो ये बहुत अच्छे से वर्क करती है आप देख सकते हैं। और ये हमने इतना लंबा बनाया कि आप ऊपर सीलिंग तक ये मेरा पहुँच रहा था अच्छे से, तो आप इतना बड़ा बैम्बू लगा देंगे उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। एंड उसके बाद आप अपने जब उधर उधर की सफाई हो जाए ना ऊपर की, तो अब उसके बाद अपने फ्लोर की भी आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है कोने वगैरह। और ये छोटा वाला वाइपर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा हल्का हो जाता है, हैंडी हो जाता है, तो इससे क्लीनिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। बड़े वाइपर में हम टॉवल वगैरह लगा देते हैं एंड तो वो थोड़ा सा मतलब हैवी हो जाता है, तो इस तरीके से मैं छोटे वाले वाइपर को यूज़ करती हूँ। तो इससे जितना ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ होती है उतना रगड़ के हम यहाँ पर स्टेन वगैरह हटा सकते हैं। आप चाहे तो बड़े वाले वाइपर का भी यूज़ कर सकते हैं सेम इसी प्रोसेस से। तो गाइज यहाँ पर देखिए जो हमारे किचन टॉवल होते हैं, ठीक है, ये भी मतलब थोड़े से चिकने टाइप के हो जाते हैं तो हम इनको रिटायर कर देते हैं। तो ऐसे ही एक ये मेरे पास पड़ा हुआ था जिसको मैं हटा चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चिकना चिकना सा है। मैं 2-3 बार वॉश कर चुकी हूँ फिर भी इसकी चिकनाहट नहीं जा रही, देन इसको मैंने रिटायर कर दिया। अब इसका हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टिक मैंने तैयार की, क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स थी कि मतलब बैम्बू नहीं मिलता है, उन्हें डंडा वगैरह नहीं मिलता है तो किस में लगाएं। तो आप इस तरीके से रोल करके भी पेपर वगैरह का थिक सा रोल पेपर करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बीच में रख के मैंने इस तरीके से नॉट कर दिया और इसको उल्टा कर दिया। अब आप इससे हमारा झाड़ा बन के तैयार हो गया है। तो आप इससे भी अपने घर के हर हिस्से की सफाई कर सकते हैं। प्लांट्स वगैरह में धूल वगैरह जम जाती है, कर्टन्स वगैरह पर अगर डस्टिंग वगैरह हो जाती है, हमारे डोर्स पर डस्ट हो जाती है, देन सबको आप इस तरीके से झाड़ सकते हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा झाड़ा पर ये तैयार हो जाता है। सोफ़ा वगैरह की क्लीनिंग कर सकते हैं, बेड को झाड़ सकते हैं, ठीक है, टेबल वगैरह, प्लांट्स वगैरह, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से झाड़ झाड़ के इससे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इससे भी डस्ट वगैरह जो है निकल जाती है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप घर पे ही क्लीनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपको क्लीनिंग करने के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत है। फिर अब नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर देखिए, हमारे जो कांच के बर्तन और चीनी माटी के बर्तन होते हैं, जैसे कांच के ये चीनी कांच के जो कप आप ये चीनी माटी के कप दिख रहे हैं एंड कांच के बर्तन, तो इनके इस तरीके के स्क्रबर से हमें बिल्कुल भी वॉश नहीं करना चाहिए बिकॉज उनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। हमारी कांच के बर्तन और जो फाइबर कांच होता है ना उसमें भी स्क्रैचेस आ जाते हैं। उसके लिए आप अपना हैंकी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट वाला हैंकी होता है ना, तो आप इसको कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी इसका एक हैक्स और दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पर इसको पूरा ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बस स्क्रबर पर थोड़ा सा अपना जो भी डिशवॉशर लिक्विड है उसको डालना है एंड देन आपको अच्छे से क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। ये बहुत अच्छे से रहता है और इसमें से टपकता कुछ भी नहीं है जब तक कि आप इसको स्क्वीज़ नहीं करेंगे एंड सारा का सारा जो सोप वगैरह इसके अंदर ही रहता है। तो आप इस तरीके से अपने चीनी माटी के बर्तन और जो कांच के बर्तनों को धोने के लिए इस तरीके का सॉफ्ट हैंगी का यूज़ कर सकते हैं। आप छोटा सा टुकड़ा काट के आप रख सकते हैं और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है कांच के बर्तन में, बहुत अच्छे से चमक आ जाती है। तो देखिए फाइबर कांच के बर्तनों में भी बहुत अच्छे से चमक आ जाती है। तो आप इस तरीके से अच्छे से अपने सारे मतलब बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक टिप्स और शेयर करना चाहती हूँ
यहाँ पर देखिए हम लोग जब भी बर्तनों को इस तरीके से रखें तो आप ना, अगर आप बास्केट वगैरह में बर्तनों को नहीं रखते हैं तो ठीक है, तो आप एक टॉवल ले लीजिए अपनी कोई भी पुरानी, उस पर आप इस तरीके से अपने बर्तनों को रख दीजिए, चाहे वो कांच के हो, चीनी माटी के हो, स्टील के हो या लोहे के हो, किसी भी चीज़ के बर्तन हो, आप इस तरीके से टॉवल बिछा कर रख दीजिए, तो क्या है कि आपकी सेल्फ वगैरह गंदी नहीं होगी और जितना भी पानी होगा ना टॉवल में ही चला जाएगा और टॉवल सोख लेगी। उसके बाद अपने बर्तनों को आप अच्छे से लगा दीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर टॉवल हल्की सी आपकी गीली हो जाती है, तो आप इसको सूखने के लिए ज़रूर डाल दीजिएगा और इससे हमारा फ्लोर वगैरह देखिए नीट एंड क्लीन रहता है, बिल्कुल भी पानी नहीं होता है यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे से टिप्स अपना मतलब फॉलो करके और अपने किचन को, घर को अच्छे से रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर है नेक्स्ट टिप्स की गैस। गैस वगैरह पर जब भी तड़का वगैरह लगाते हैं तो चिकनाई के दाग वगैरह उड़े ही जाते हैं, ठीक है, तो पूरी गैस हमारी चिकनी चिकनी सी हो जाती है, तो इसको हम क्लीन करने के लिए नॉर्मल स्क्रबर का यूज़ करते हैं। कभी कभी तो मुझे जल्दी में होती हूँ तो मैं जो बर्तन वाला स्क्रबर होता है ना उसी से ही मैं यहाँ पर इसको स्क्रबिंग कर देती हूँ। और बस इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए मैंने सब पे अच्छे से रफ कर दिया है। अभी हमें तो क्लीन करने के लिए ना हम इस तरीके की टॉवल का यूज़ करेंगे ना, तो ये वन स्टॉक में ही बिल्कुल अच्छे से सोप को हटा देती है और बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर देती है। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही एक स्टॉक लगा रही हूँ और ये दोबारा फेर भी नहीं रही, और फिर भी देखिए कितने अच्छे से जो है सारा का सारा सब कुछ अच्छे से क्लीन होता जा रहा है। तो इस तरीके की टॉवल जो रुए वाली टॉवल होती है ना उसका यूज़ कीजिए, चिकनी वाली टॉवल होती है उससे और भी ज़्यादा फैलता है, तो उसका यूज़ मत कीजिएगा जो रुए वाली टॉवल होती है ना उसका। और ये टॉवल बहुत ही मार्केट में सस्ती मिलती है, 10 रुपए की एक टॉवल ईजिली मिल जाती है, जिसे आप अपने मैनी चीज़ों के लिए यूजेस कर सकते हैं, मैनी यूजेस के लिए आप इसको मतलब यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा गीला करके मैंने फिर से इसमें लगा दिया और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया। अब इसको हम वॉश करके फटाफट से रख देंगे, क्योंकि इसमें सोप वगैरह ऑलरेडी है, क्योंकि अभी हमने गैस को क्लीन किया तो उसमें सोप वगैरह सारा लग गया, तो आपको नॉर्मल पानी से ही इसको अच्छे से वॉश कर देना है। ये देखिए अब हमारी टॉवल भी अच्छे से क्लीन हो गई है, एंड देन इसको आप सुखा दीजिए और गैस देखिए कितनी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गई है। तो इस तरीके से आप गैस को मतलब करने के लिए और टाइम बचाने के लिए आप इस तरीके की रुए वाली टॉवल का ही यूज़ कीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर कि ये बेबी टॉवल जो मेरे पास है तो इसको आप ना इस तरीके से जब बेबी बड़े हो जाते हैं तो टॉवल रखी रहती है, तो आप इस तरीके से गैस को कवर करने के लिए यूज़ कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हम रात में जले जाते हैं तो रात में कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस वगैरह आगे गैस पे मतलब घूम जाते हैं। फिर सुबह जब हमें जल्दी होती है, लाइक हमारे हस्बैंड वगैरह बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में ही खाना बनाना होता है, तो मुझे तो 5 बजे ही बनाना होता है खाना, 5:30 बजे, तो इतने जल्दी फिर मैं गैस वगैरह साफ़ करूँ फिर और काम करूँ तो बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैं रात को ही कवर करके सोती हूँ। एंड नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि रात को लेट नाइट काम होता है तो हम बर्तन वगैरह अपने बास्केट में ऐसे ही छोड़ देते हैं, एंड देन इनको उनके प्रॉपर प्लेस पर नहीं रख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि होता है ना कभी कभी लेट हो जाते हैं, आलस आ जाता है, तो क्या कीजिए बस आप इतना ज़रूर काम कर लीजिए, अगर आप इनको ऑर्गेनाइज़र में मतलब ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरीके से टॉवल से ढककर ज़रूर रख दीजिए, जिससे कि कोई भी कॉकरोचेस वगैरह ना आए। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके के गीले बर्तन हमारे होते हैं, ठीक है, और हमें इमिडिएटली इनमें कुछ परोसना हो रखना हो तो काफ़ी ज़्यादा तो हमें इनको इस तरीके की जो टॉवल होती है ना रुए वाली इससे ही पहुँचना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी को जो सोक करने की कैपेसिटी होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, तो ये पानी वगैरह को बहुत अच्छे से अपने अंदर सोक कर लेती है। तो ये देखिए फटाफट से इस तरीके से आपका जो भी है ये सुखा देती है, तो आप इस तरीके से फिर ये हमारे अच्छे से सूख जाते हैं, एंड देन आप इनमें कोई भी चीज़ फिल कर सकते हैं, रख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और ये ड्राई भी रहता है, बस हल्की हल्की सी सीढ़ी सी हो जाती है, तो इसके लिए आप फटाफट से इसको धूप में डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गाइस कई बार क्या होता है कि आप लोग रोटी वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके के नैपकिन को यूज़ करते हैं, तो इस तरीके के नैपकिन को यूज़ करते हैं रोटी रखने के लिए, तो जो हमारे हैंकी होते हैं ना ये भी मार्केट में 10-12 रुपए का मिलता है, तो अब इस तरीके के हैंकी का यूज़ कीजिएगा, इससे क्या है कि रोटी वगैरह जो है आपकी बिल्कुल भी मतलब सीलती नहीं है, चाहे वो ऊपर की रोटी हो या नीचे की रोटी हो, इस तरीके से एक भी रोटी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि हम बोलते हैं चलो गाय को डाल दिए लेकिन हमारे यहाँ गाय ही नहीं आती है तो वो रोटी वेस्ट ही हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि आप थोड़े थोड़े से ट्रिक्स फॉलो करें एंड देन कुछ भी वेस्ट ना होने दें। अब यहाँ पर देखिए मसलिन क्लॉथ वाला एक टॉवल था, ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरे पास था, तो इससे मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ इसको कई सारी चीज़ों में, क्योंकि मुझे जब भी पनीर वगैरह बनाना बनाना होता तो मैं इसी में से ही निकालती हूँ, ठीक है, तो 2-3 बार पनीर बनाती हूँ फिर उसको मैं रिटायर ही कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े में से थोड़ी सी स्मेल सी आने लगती है, तो जैसे कि आपको कोई भी चीज़ स्क्वीज करनी हो, लौकी को स्क्वीज़ करना हो, एंड देन आपको मूली वगैरह को स्क्वीज़ करना हो, तो भी मैं इस तरीके के कपड़े का यूज़ करती हूँ, और ये भी मार्केट में मुश्किल से 25 रुपए का आता है, और 25 रुपए का 1.5 मीटर आता है, 1.5 या 1 मीटर आ जाता है,
तो इस तरीके की आप यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर गाइस ये छोटा वाला हैंकी, ये वाला सॉफ्ट वाला हैंकी होता है, फेदर्स वाले हैंकी होते हैं ये, तो इनसे आप वैसे क्लीनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको आप डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पर एज अ कोस्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कोस्टर ले रही थी अभी, जस्ट रिसेंटली मेरे अंदर आइडिया आया कि हम इसे एज अ कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, देन ये अच्छा लग रहा है, तो मैं और भी इसी तरीके के सेम हैंकी लेके आऊँगी, नहीं तो और भी डिजाइन के 6 हैंकी लेके आऊँगी, देन इसमें मैं एज अ कोस्टर यूज़ करूँगी अपने डाइनिंग टेबल पे। तो इस तरीके के हैंकी को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस तरीके के जो हमारे बेकार हो जाते हैं हैंकी वगैरह, हम यूज़ नहीं करते, तो आप उन्हें अपने किचन में ले आइए। किचन में आप उनको जैसे कि कोई भी गर्म चीज़, गर्म भगोना, गर्म कढ़ाई, आपको उठाने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन्हीं तरीके के हैंकी का यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसको उठाकर इजीली कहीं पर भी किसी भी जगह पर रख सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी आप इन हैंकी वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि अगर आप कोई हैंकी रिटायर कर चुके हैं तो उसको भी आप किचन में ले आइए और किचन में यूज़ कीजिए। क्या है कि जब भी आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो चकला खिसकता है, तो आप उसके नीचे इस तरीके से हैंकी को स्प्रेड कर दीजिए, देन उसके ऊपर आप अपना चकला रखिए, देन वो फिर बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा और इसी तरीके से और आपकी जो गंदी भी सेल्फ भी गंदी नहीं होगी। अब ये हमारे पास अंगोछा वाली साफ़ी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का हम अब ये यूज़ तो होते नहीं है, बट गर्मियों में ये ले आते हैं, ठीक है, या फिर हमें मिल जाती है, तो इस तरीके से ना इसे मैं इसको रनर यूज़ करती हूँ अपने बेड पर, ठीक है। तो इस तरीके से बिछा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम लोग किनारे के साइड ही बैठते हैं ना, तो क्या होता है ना ज़्यादा किनारे की साइड ही बैठते हैं और यही गलत प्लेस जो होता है ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं इसे एज अ रनर भी यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। और भी मेरे पास हैं इस तरीके की, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि अब बाई चांस अब सुबह का जो नाश्ता वगैरह हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, अलग अलग सबकी टाइमिंग है, तो डाइनिंग टेबल पे एक साथ खाना हो ही नहीं पाता है किसी का, तो यहाँ पर बच्चे बेडेड पे ही खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो मैं इस तरीके से इसको बिछा देती हूँ और उस पर अपने नाश्ते की प्लेट वगैरह रख देती हूँ, तो क्या जितना भी फैलता रहता है ना, तो इसी पर फैलता है, फिर इसको उठा के झाड़ना, क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से मेरी बेड शीट एटलीस्ट 1 वीक तक तो चल जाती है। तो छोटे छोटे से ट्रिक्स फॉलो हमें अपनी लाइफ में ज़रूर करने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पर अपनी आप पुरानी टॉवल जो आपकी हो गई है, बिल्कुल रिटायर कर चुके हो, अब आपको यूज़ ही नहीं करनी, आप उस टॉवल को क्या कीजिए, इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए 4 फोल्ड, एंड देन आप यहाँ पर बड़े बड़े टांके डालकर आप इस तरीके से स्टिचिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं स्टिचिंग करना चाहते तो नॉर्मल आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, अपने किचन के बाहर या बाथरूम के बाहर या बेडरूम के बाहर कहीं पर भी आप इस तरीके से रख दीजिए। एंड जब भी आपको मतलब पैर वगैरह पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो इस तरीके से एज अ डोरमेट भी बनाकर आप रख सकते हैं। एंड देन इस तरीके की जो सॉफ्ट वाली टॉवल होती है बेबी टॉवल, आप उनको इस तरीके से एज अ सीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपनी कार की सीट पे या नॉर्मल चेयर घर पे जो होती है उनमें यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए ये जो कुशन कवर है, तो इनके भी हम जो है कुशन कवर इजीली घर पे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सोच रही थी कि इसका बनाऊं, लेकिन ये ना थोड़े से बड़े होते हैं तो इनके मिल जाते हैं कुशन कवर, बट ये छोटे वाले हैं तो कोस्टर कुशन होते हैं ना, तो इनके तो कुशन है ना कवर मिलते ही नहीं है, क्योंकि इतना छोटा साइज आता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या फॉलो मैंने क्या करती हूँ कि इस तरीके से हैंकी है ना, इसको इसके ऊपर इस तरीके से चारों तरफ से सिल देती हूँ फ्रंट साइड पे, तो ये हमारा इस तरीके से कुशन बनके तैयार हो जाता है। बट ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, अगली बार मैं ना थोड़ा सा बड़ा लेके आऊँगी जिससे कि ये पूरा अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो इस तरीके से आप फटाफट से इंस्टेंट लुक दे सकते हैं अपने पुराने जो कुशन कवर होते हैं, तो ये रखने में भी बहुत ईजी होता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरीके से फेदर्स के हमें कुशन कवर बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, आई होप कि आपको पसंद आए हो, पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें और आप मेरे वीडियोस को ऐसे इंजॉय कर पाएँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा और मैं उस तरीके के बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, बाय।